औद्योगिक क्षेत्रों से मशहूर चंद्रपुर जिला के घुग्घुस शहर में लॉयड्स मेटल फैक्ट्री से निकलने वाली प्रदूषण से आसपास खेतों में बोई गई फसलें डस्ट की भेंट चढ़ने से नष्ट होने लगी है। फैक्ट्रियों से निकलने वाली डस्ट की चादर से आसपास के खेतों में फसलें नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई है। इस डस्ट के कारण फसलें विकसित नहीं हो पा रही है। ऐसे में पैदावार में कमी होने से किसानों की मेहनत पर भी पानी फिरने लगा है। इसके साथ उनकी उम्मीदें भी टूट रही है। लेकिन प्रशासन व कृषि विभाग के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी मूक दर्शक बना हुआ है। किसानों ने बताया कि घुग्घुस औद्योगिक क्षेत्र स्थित लॉयड्स मेटल कंपनी के पीछे 50 से 100 एकड़ जमीन पर वर्तमान में कपास अन्य की फसल बोई हुई है। फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण व सफेद डस्ट कपास की फसल के ऊपर जम गई है। स्थिति में खेत में खड़ी फसल सफेद पाउडर से सनी नजर आ रही है। इस बारे में क्षेत्र के किसानों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। औद्योगिक विकास की आड़ में किसानों की फसलों के फैक्ट्रियों की डस्ट से होने वाले नुकसान से आर्थिक हानि हो रही है, लेकिन किसानों की कोई सुन नहीं रहा है। औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुमति प्रमाण पत्र देता है, उसे इसके वास्तविकता की जांच करानी चाहिए। काली पराठी होऊन गेली आमची, बोर्ड येत नाही बराबर, डस्टाने पूर्ण पिंगडून गेली पराठी आमची, खराब होऊन गेलेली आहे। त्याच्यामुळे पुन्हा जे काही पाणी आहे ते आपलं प्रदूषणचं, ते जनावर पेत नाही। आमच्या आवरामध्ये कमीत कमी 3-3 फूट डस्ट साचलेला आहे लाईट मेटलचा, तरी आम्ही का कराव? आमचं काही भरपाई काही आमची निघत नाही। आम्ही आमच्या कुटुंबामध्ये 2-3 सदस्य आपण त्याचं पोट भरत नाही। व्यवस्था करे हम लोग खेत क्या नाम के छोड़ दे, हमारे खेत का नुकसान ना हो। अगर उनको नुकसान ही करना है तो उन्होंने कंपनी के रेट से खरीद लेना चाहिए खेत उनको। BCN न्यूज के लिए घुग्घुस से सदन बाबू रेनकुंटा की रिपोर्ट।